आपने मुझे यूं करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया। तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम है आपका फीफा फूस चैनल में। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भी कह दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पुर्णेंदु मिश्रा। तो आइए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में, जिसमें शालीन भनोत ने कहा था कि आपने टीना दत्ता आपने मुझे ऐसे करके फेंक दिया। ओ वाओ, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ डायलॉग। मतलब ये तो अगर डायलॉग जाए ना बॉलीवुड में तो बहुत फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये बात करनी है कि शालीन भनोत तो अपने वर्ड्स पे भी कायम नहीं रहे कि दो मिनट नहीं लगे उनको टीना भनोत से पैचअप हो गया उनका। वाओ व्हाट अ गेम। वही सही है भाई, ऐसे ही चले तो मज़ा आ जाएगा। बट कल जो सलमान खान ने बैंड बजाई है उनकी, मज़ा आ गया। क्योंकि मुझे भी लगता था कि अच्छा मे बी शालीन को गेम नहीं समझ में आती, बट आयुष्मान खुराना ने आके ये भी कंफर्म कर दिया कि उनके पास तो ये सच में नहीं है। कि उनने बोला कि यार ही वॉज डम मोर एट रोडीज टाइम। अभी तो वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अगर वो 40 साल की उम्र में थोड़े बड़े हो गए तो ठीक है। आई एम नॉट एज शेमिंग एनीवन, बट ठीक है, इट्स ओके। तो सबकी कल बेसिकली कह सकते हैं कि एक मंशा जो थी शालीन भनोट को लेके कि अरे वो गेम नहीं समझ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कल ख़त्म हो, क्योंकि वो वैसे ही हैं। उनके पुराने दोस्त ने जो एक शो में वो साथ में थे, उन्होंने आके सब कुछ क्लियर कर दिया। तो शालीन भनोत अब तो मुझे भाई पूरे बिग बॉस सीज़न में कभी उन पर भरोसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। क्योंकि वो तो उनको दो मिनट नहीं लगा कि उनकी दोस्ती है, क्योंकि इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा आपने यूज़ किया, आपने ये किया, मैं 5 गुना ज़्यादा आप पे पैसे भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, आपने मेरा ड्रीम तोड़ा, ये तोड़ा, और 2 मिनट में सब ख़त्म। वाह व्हाट अ गेम, मज़ा आ गया। मैं तो सोचता हूँ आज ना इस टिश्यू पेपर को स्टार बना। ओह शिट, ये तो टिश्यू पेपर फट गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। वैसे जैसे शालीन ने ऐसे एक्टिंग की, ये करके आपने मुझे फेंक दिया, वैसे ही प्रियंका चौधरी भी यही करती हैं। मुझे तो लगता है उनको कुछ भी मिले वो कहीं पे भी बोल देती हैं, इस टिश्यू पेपर की तरह तड़ाक से ऐसे फेंको। कल तो सलमान खान आते ही उनकी जो ऐसी धज्जियाँ उड़ी हैं शो में, उनको पीछे जाके बैठा दिया गया। मुझे लगता है अच्छा किया गया, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि अंकित इतना समझदार है, उसको इतना समझदारी का खिताब दिया जाता है, ओह इज सो इंटेलिजेंट और ये वो फलाना ढिमकाना, उनको अकल नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। चलो वो तो किसी की सुनती नहीं है, उनको तो सबके फट्टे में टांग लड़ाना है, बट अंकित क्या कर रहे हैं, अंकित क्यों उनकी बात सुन रहे हैं, अंकित उन्हीं के चलते अंकित अपनी भी गेम ख़राब कर रहे हैं और प्रियंका तो अपनी गेम ख़राब कर ही रही हैं। क्योंकि वैसे भी उनको बोल दिया गया वो अर्चना 2.0 बन रही हैं, क्योंकि कुछ भी हो नहीं, मैं इस घर की हूँ, मुझे बोलना है, तो भाई बोलो, तो कुछ तो ऐसा बोलो, सेंसिबल बातें करो। दो लोग झगड़ा कर रहे हो, उनको सुलझाने के बजाय तुम उनको और आग लगा रही हो। तो ये तो भाई यही बात हो गई कि बहते गंगा में हाथ धोना, और ऐसा धोना कि वो गंगा नहीं, शायद वो कहीं और ही हाथ धो रही हैं जिसमें उनका खुद का नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली माई पॉइंट इज़ कि जो बोलो जेन्युइन बोलो प्रियंका, ऐसे मत बोलो कि आप अपनी गेम ख़राब कर रहे हो, और अपनी गेम ख़राब करते करते जो आपके साथ है, आपके साथ दिन भर बैठा रहता है, किसी और से बात नहीं करता है, आपके भरोसे में भी बिग बॉस में हो, और वो अपनी गेम आपके चक्कर में बर्बाद कर रहा है। तो स्पीक सेंसिबल थिंग्स एंड मेक योर गेम स्ट्रांग, बिकॉज वी रियली लाइक यू। आप स्टार्टिंग के हफ्ते में जैसे आई थी, बहुत मज़ा आ रहा था आपको देख के, ऐसा लग रहा था कि ओ वी आर सीइंग अनदर बॉस लेडी, बिकॉज फर्स्ट बॉस लेडी इज़ रूबीना दिलेक इन बिग बॉस हाउस की हिस्ट्री में। बट सेकेंड वॉज वी वर थिंकिंग कि हाँ मे बी प्रियंका बन सकती हैं, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर था वो उसी तरीके का लग रहा था। बट अब तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, अब तो इरीटेटिंग लग रहा है, इरीटेटिंग। मैं शालीन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मांग रही हूँ समय मुझे शालीन के पास बैठने। मैं शालीन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं उसकी प्रोटेक्टर हूँ। यू आर मेकिंग इट सो रॉन्ग सुम्बुल, आप तो समझ ही होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, टीना दत्ता एंड सुम्बुल तौकीर खान, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है, वॉट इज दिस, लाइक सीरियसली टीना दत्ता को 5 मिनट मांगना पड़ रहा है, जो जिन्होंने एक ब्रांड बनाया अपना कि टीना दत्ता इज़ अ ब्रांड, उनको सुम्बुल तौकीर के सामने जाके भीख मांगना पड़ रहा है कि मेरे को 5 मिनट दे दो शालीन से बात करने को। एंड सिंबल भी लाइक मैं नहीं दूंगी, शालीन जब तक नहीं बोलेगा यहाँ से जाने को मैं नहीं दूंगी। ये ऑब्सेशन नहीं तो क्या है, सलमान खान ने बिल्कुल सही पकड़ा है, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद शालीन। और ये मे बी उनको ना समझ में आ रहा हो, मे बी उनको दोस्ती लग रहा हो, बट हमें तो दिख रहा है कि यस शी इज़ ऑब्सेस्ड विद शालीन। क्यों,
भाई वो छोड़ ही नहीं रही, वो ऐसे चिल्ला रही है जैसे उसका झगड़ा हुआ है, उसको लग गई क्या हो गया, नहीं आई केयर फॉर यू, आई डू दिस एंड दैट फॉर यू, क्या है ऐसे कौन करता है भाई। सब्र करो, अपनी गेम बर्बाद मत करो। स्टार्टिंग के हफ्ते में जैसे तुम्हें लगा था ना कि हाँ, हमें भी लगा था कि तुम बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट हो, बट अब तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही वीक कंटेस्टेंट हो, और मे भी तुम्हारे फैन बेस की वजह से तुमको वोट्स वगैरह आ रहे हो, बट प्लीज़ यू नीड टू अप योर गेम, बिकॉज आई डोंट नो मेरे को एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं उनसे, मेरे को पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो मेरे को उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है, बट इतना ख़राब मत करो, मजाक बन के रह जाएगा पूरे टेलीविजन पे तुम्हारा, और जो तुमने नाम कमाया है उसको प्लीज़ मेंटेन करो और आगे बढ़ो उस चीज़ में। तो ऐसे मत करो, अब जाने दो, अब शालीन का चैप्टर यहीं बंद कर दो सुम्बुल, एंड अब आगे कोई और चैप्टर खोलो जिसमें तुम्हारा भला हो, तुम्हारी गेम स्ट्रांग हो, ठीक है? ऐसे ऐसे ये स्ट्रांग ये वाला चीज़ करके तुम्हारी गेम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो रही है, ये वीक ही होती जा रही है। अर्चना से मैं बहुत सारी चीज़ों में डिसअग्री करता हूँ, अर्चना के मतलब गेम से, बट कुछ चीज़ों में मैं उनसे अग्री करता हूँ, जिसपे उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि अब हो गया अब्दू का, वो मेहमान नवाजी ख़त्म करो, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ ऑल्सो कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस हाउस, और वो भी उस रेस में है जो कि बहुत अच्छा जा रहे हैं, बट द वे अब्दू मेक्स फन ऑफ एवरी वन, द उन्होंने बोला ब्रो शालीन यू ओके, ऐसे अंगूठा दिखा के ब्रो शालीन यू ओके, एंड शालीन भाई या आई एम फाइन, उसके बाद जो वो हंसे वो तीनों, वो साजिद एंड साजिद थे कि नहीं थे, आई एम सॉरी, नो 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 साजिद वॉज नॉट देयर, शिव वॉज देयर एंड स्टैन वॉज देयर, तो वो जो हंसे उस पर, तो ये चीज़ तो भाई 19 साल के हो गए, इतनी अक्ल तो है ना कि क्या चल रहा है, एंड द वन इज़ गोइंग थ्रू सो मच शिट इन द हाउस, एंड आप उसके ऊपर हंस रहे हो, तो यार अब्दू इट्स ओके, हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे, मजाक उड़ाओगे, हाँ मज़ा तो आ रहा है देखने में, बट एक ह्यूमन लेवल पे, इमोशन लेवल पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हाँ आप किसी इंसान का मजाक उड़ा रहे हो, जब वो सच्ची में वो परेशान है वो इंसान, आप मस्ती करो, आप गेम खेलो, आप गाना गाओ, आप निमृत के साथ फ्लर्ट करो, सब मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें देखने में, एक एक प्रॉपर एक अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है, आपका छोटा भाईजान एंड बड़ा भाईजान जो शो चल रहा है वो भी बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, आपके वियर्ड वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो इतने फनी तो होते नहीं है, बट स्टिल ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो करो, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आपकी गेम, या मे बी बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बट जो कुछ लोग पसंद करना चाह रहे हैं, मे बी इन सब चीज़ों से ना पसंद करें आपको, तो ये चीज़ मत करो। साजिद साजिद आप बिग बॉस हाउस के अभी तक के बेस्ट कैप्टन बने हो, बड़ा मज़ा आया आपके कैप्टनसी में, बट साजिद एक चीज़ और है, आप सारी डिसीजंस जो आप पूछ के ले रहे हो कि अच्छा ये कौन कर रहा है, खाना कौन बनाता है, क्या आप साजिद इतने दिन से घर में हो, आपको नहीं पता खाना कौन बना रहा है, आपको नहीं पता कि खाना कौन अच्छे से बना रहा है, कौन चॉपिंग कर रहा है, आप कर क्या रहे हो फिर, एक महीने से ऊपर हो गया बिग बॉस के घर में, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप फिर कुछ आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, तो आप बिग बॉस के घर में, फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको निमृत से पूछना पड़ रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्ट पर्सन ने किसी से पूछा था कि खाना कौन बना रहा है, तो यार सीरियसली इतना इतना बड़ा सा घर है, उसमें सारे 14-15 लोग आते हैं, इतना तो सबको पता है कि खाना कौन बना रहा है खाना कौन नहीं बना रहा है, ओह शिट अभी भी टिश्यू पेपर है, मैं ही शालीन ने जो ये टिश्यू पेपर का जो जो फेमस कर दिया ना ऐसे करके ये तो सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, एंड मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में, ओके सो मत करो साजिद ऐसे, आपको आपको अगर जो डिसीजन लेना है अपने अपने उस पे लो, आपको कैप्टन बनाया गया प्रॉपर सबकी उस मर्जी से, सब लोग बड़े खुश हुए कैप्टन बनाने में, बट आप उस कैप्टनसी को अपने तरीके से चलाओ, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप क्या अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड साजिद आप थोड़े अनफेयर थे क्योंकि आपने जो आपके दोस्तों दोस्त थे उनको पहले ले जाके उनके जो अगेंस्ट में थे, जैसे प्रियंका गौतम अंकित एंड अर्चना एंड सौंदर्य, इनको उन्होंने हटा दिया, उनके जो चेहरे थे उनको वहाँ से वो किले में से हटा दिया, एंड बाकी आपके पसंदीदा लोग रह गए, चलो ठीक है आप ही को बनना था, बट एटलीस्ट यू शुड हैव गिव देम अ फेयर चांस टू प्ले द गेम, बट आपने वो नहीं दिया, तो ये चीज़ तो साजिद आपकी पसंद नहीं है, और आप साजिद अगर कैप्टन हो ना, आपने कहा था कि मैं फेयर करूँगा फेयर करूँगा फेयर करूँगा, अगर आपने आपको फेयर करना होता तो आप स्टार्टिंग में आपको अगर आपको फेयर करना होता तो आप स्टार्टिंग में ही प्रियंका को जेल में नहीं डाल देते कि वो टीना दौड़ के आया, उन्होंने बोला कि अरे खेलने दो भाई मास्टरमाइंड, मज़ा आता वो गेम का,
कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे भी उस गेम की ऐसी ऐसी की तैसी धज्जियाँ उड़ गई थी, जिसमें मुखौटा वाला था और जो सॉरी मैं अगेन इसको यूज़ करो, इसमें पढ़ना था कि क्या लिखा था इसको निमृत के ऊपर, ये कुछ फेंकना था उसको कपड़े बदलवाने थे या ये करना था, वैसे ही धज्जियाँ उड़ गई थी। तो बट एटलीस्ट आप अब जेल में ना डाल के अगर किसी एक इंसान को डालना था तो आप अपने हिसाब से डालते ना, आप किसी और के कहने पे क्यों कर रहे हो? आप कैप्टन हो घर के, आपको चीज़ें अपने एंड से डिसाइड करनी चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप और आपने ही कहा था फेयर 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 फेयर, तो आपकी फेयरनेस कहाँ गई फिर? आप कहाँ से फेयर हुए फिर? बिल्कुल फेयर नहीं हुए। तो उस हिसाब से देखा जाए एज अ कैप्टन ओके, बट एज अ फेयर गेम प्लेयर सॉरी यू आर नॉट, यू आर ऑल्सो इन द लाइन ऑफ वो लोग जो अनफेयर गेम खेल रहे हैं। तो इट्स अ बिग बॉस हाउस, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड गेम, ऑब्वियसली दिस इज अ गेम, बट डोंट देन जस्ट डोंट यूज दैट वर्ड फेयर कि मैं फेयर हूँ, क्योंकि आप फेयर नहीं हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो निमृत निमृत आहलूवालिया तो अपना गेम एकदम ख़राब कर चुकी है। वो शिव के पीछे 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 पता नहीं क्या कर रही हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी स्टार्टिंग में, अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रही हैं। बेसिकली जो शिव कहते हैं वो करती हैं, वो थोड़ा बहुत अपना पॉइंट्स देती हैं बट शिव उनको फिर मैनुपुलेट करके वो अपने पॉइंट में फंसा लेते हैं। तो ये निमृत ऐसे नहीं चलेगा, आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हो बिग बॉस के हाउस के, पर आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। आप नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उसके वो भेड़ चाल में, शिव के भेड़ चाल में जो नहीं साजिद हैं, स्टैन हैं, अब्दू हैं, गोरी थी, ये लोग थे, तो आप उसी भेड़ चाल में जा रही हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है। एवरी वन नोज कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हाँ कोई आपका दोस्त नहीं है। आपने गौतम विच को बहुत अच्छा दोस्त माना था बट गौतम तो सौंदर्य के साथ, खैर उनकी तो कहानी अलग है, मैं अभी उस पर आने वाला हूँ। तो बट अभी अगर आप लीड नहीं कर सकते तो फॉलोअर मत बनो। इफ़ यू कांट बी अ लीडर देन डोंट बी अ फॉलोअर निमृत, दिस इज़ वॉट आई कैन टेल यू अकॉर्डिंग टू वॉट आई सी। तो उस हिसाब इतना धीरे क्यों मैंने बोला? दिस इज वॉट आई कैन टेल यू वॉट अकॉर्डिंग टू वॉट आई सी। तो ऐसा है। एंड अगर बात करते हैं शिव की, शिव इज़ द बेस्ट अभी, मतलब मज़ा आ रहा है शिव की गेम देख के। बट शिव आप मराठी बिग बॉस करके आए हो, आपको भी पता है, अब वो भी छोड़ो, छोड़ दो वो बिग बॉस, अगर मान लो आप फ्रेश यहाँ पे आते हो और आपको भी पता है कि हाँ स्टैन आया दौड़ते हुए, उसने चार्ज किया, शालीन ने पकड़ा, आप ऐसे पकड़ रहे हो उसका, दिस इज़ नॉट राइट ना। ये तो भाई शिव बहुत गलत बात है, ये तो आपको उसमें छुड़ाना चाहिए था, स्टैन को बोलना चाहिए था कि तुम मत बोलो, ये करो, उल्टे सीधे बातें मत करो, बट आप तो अलग ही टैंजेंट या जोन आपका था कि आप तो चिल्लाने लगे उल्टा। वो तो शालीन ही, उसने कंट्रोल किया खुद को भाई, उसने कंट्रोल किया, नहीं तो वहाँ अगर सिद्धार्थ शुक्ला होता ना तो उठा के पटक देता आपको, ये भी बात सुन लो। तो इट्स ओके इतना तो गेम अच्छा है, बट ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप गलत चीज़ का साथ दो। अर्चना शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टार्टिंग के हफ्तों में, बट अभी पता नहीं क्या हो गया उनको कि वो उनको हर चीज़ में ही कुछ गलतियाँ निकालनी है, गलतियाँ निकालनी है। ब्रो आप बहुत अच्छा कर रहे थे, सबने आपकी तारीफ की है, तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंटेन करो। आप एंटरटेनर हो घर के, आप इरिटेटर नहीं हो घर के, डोंट बी अ इरिटेटर, बी एन एंटरटेनर इन बिग बॉस 16 हाउस। लोग आपको पसंद करना चाह रहे हैं, आपको इसीलिए वापस बुलाया गया कि आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, शो को मसाला दे रहे हो, बट आप ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अर्चना अगर इन फ्यूचर आपको कुछ बाहर फिर से आओ, फिर से अंदर जाओ, तो ज़रूर ये वाला मैसेज देख लेना कि बी एन एंटरटेनर, डोंट बी एन इरिटेटर। थैंक यू। अब आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टीना। टीना आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, बहुत सही दिख रहा है, बट आप इतना प्यार 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 कर रहे हो अब जब लड़ाई होने के बाद, उस टाइम प्यार कहाँ जाता है जब आप निमृत के साथ या किसी के साथ बैठ के शालिन की बैक बिचिंग करते हो? उस समय आपका प्यार बिल्कुल नहीं दिखता हमें, बिल्कुल भी नहीं दिखता है हमें। अभी बड़ा प्यार दिख रहा है, वी लाइक ईच अदर सुंबल भाई। जब तुम बैठ के उसकी बिचिंग करते हो कि ये ऐसा है, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आपका प्यार उस वक्त कहाँ जाता है? तो आप प्लीज़ क्लैरिफाई करो हमें कि क्या है आपका प्यार है या गेम के लिए है। गेम के लिए भी है तो भाई अच्छे से करो, और नहीं है तो फिर ख़त्म करो, क्योंकि अब ना यहाँ सारे ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ हमें क्लोजर दो कि आप करना क्या चाह रहे हो, डू यू रियली लाइक हिम और इट इज़ जस्ट फॉर अ गेम? तो वो चीज़ क्लियर करो। और भाई एट दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट येस्टरडेज एपिसोड, द वे सलमान खान हैंडल्स एवरी थिंग ना, मज़ा आ गया। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही शाउटेड ऑन शालीन,
क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि अच्छा उनकी ही बुराई चल रही है जो चल रहा है। तो भाई शालीन थोड़ा सा यहाँ से बुद्धि लगाओ, और जो टीना कभी कभी आपको समझाती है ना उसको ध्यान से सुनो कि हाँ बोल क्या रही है, कहना क्या चाहती है, वो उसको सुनो समझो मंथन करो चिंतन मनन करो हिंदी में बोलूँ तो। ओ सॉरी आपको हिंदी तो आती नहीं है। हाँ थिंक अबाउट वॉट टीना टेल यू, उसको सोचो उसके बारे में सोचो कि हाँ इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, मैं कैसे इस चीज़ को गेम में अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो अपनी चीज़ लाओ। क्योंकि आपने वो एक टास्क था वो भेड़ भेड़ वाला बहुत अच्छा खेला, बड़ा मज़ा आया, बट उसके बाद फिर से वही टीना के चक्कर में आप फंस गया। तो शालीन जस्ट गेट आउट ऑफ टीनास वाला चक्कर एंड सही करो अपनी गेम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा मज़ा आया होगा, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में फीफा फूज, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, नहीं, अच्छा नहीं होस्ट, होस्ट पुरेंदु मिश्रा। चलो टाटा बाय बाय।